मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। लॉकडाउन लगाए जाने का असर जिले में मिला देखने को। कोरोना संक्रमण से हो रही मौत में काफी आई कमी। मुक्तिधाम में सेवा के भाव से काम कर रहे कई लोगों को नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया सम्मानित। और कोरोना संक्रमण से सदर अस्पताल को कोविड वार्ड में एक व्यक्ति की हुई मौत के बाद व्यवस्था पर कई सवाल हुए खड़े। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जिले में इसका असर साफ दिखने लगा है। पिछले एक सप्ताह के रिकॉर्ड के अनुसार मृत्यु दर काफी नीचे गिर गया है। देखिए ये रिपोर्ट। शमशान जहां से इस कोरोना काल में सिर्फ डराने और विचलित कराने वाली खबरें आई हैं, वहीं से आज जिले वासियों के लिए कोरोना से जंग में एक राहत भरी खबर आई है जो आपको लॉकडाउन के असर को भी मानने को मजबूर कर देगी। दरअसल जिले में कोविड से मरने वालों की संख्या में गिरावट हुई है। शहर के सीडी घाट पर एक हफ्ते पहले जहां हर रोज 30 से 35 शव जलाए जा रहे थे, वहीं पिछले 3-4 दिनों में ये आंकड़ा 7 से 8 तक आ गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में अप्रैल के महीने से मौत का कैसा तांडव मचाया और कैसे सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया, उसकी कई कहानियां हम तो आपको सुना ही चुके हैं। लेकिन आज आपको कोरोना काल के असली कर्मवीरों से और असली फ्रंटलाइन वॉरियर से मिलाएंगे। हम उन्हें असली कर्मवीर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी के महासंकट की इस विपदा में जब कोरोना से मौत पर इंसान की देह को अपने भी हाथ लगाने से डरते थे, रिश्तों की डोर कमज़ोर पड़ रही थी, ऐसे में इन लोगों ने कोरोना से मरने वालों के लिए अंतिम संस्कार में कोई भेदभाव नहीं किया। महामारी की इस महाविकट परिस्थिति में भी शहर के मुक्तिधाम में कोरोना मरीज की अत्यधिष्ट में भी कोई अव्यवस्था वाली तस्वीर सामने नहीं आई है और अब लॉकडाउन और लोगों की सतर्कता का ही नतीजा है। मुजफ्फरपुर इस महामारी से लड़ाई में मजबूती से वापस कर रही है। संक्रमित की संख्या और रफ्तार में कमी के साथ ही डेथ रेट कम होना और रिकवरी रेट का बढ़ना अच्छा संकेत है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसीलिए सिटी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें, अपने घर में रहें, अपनों के साथ रहें, अपने परिवार की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। वक्त मौजूद हूँ श्री घाट पे, जहाँ पे पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो प्रतिदिन 30 से 35 लाश जलते थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह में क्या हकीकत है आज रियलिटी चेक करने हम मुजफ्फरपुर के श्री घाट पहुँचे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह से आज लगभग 8 से 10 बॉडी यहाँ पे आ गए हैं और लगातार उन लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ के प्रबंधक हैं, क्या स्थिति है पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो? पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो जो यहाँ पे 100 अंत्येष्टि के लिए आ रहा है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, जो प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद, काफ़ी सुखद मतलब यह समाचार है कि पिछले एक हफ्ता में आप देखिएगा तो 22, 25, 23, 13 और कल का दिन मात्र 10। आज अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे यहाँ ये चौथा 100 अभी आया है। तो हम लोग तो यही प्रभु से मांगते हैं कि किसी तरीके से कोरोना से मृत्यु दर कम से कम हो, लोग पुनः अपने परिवार में खुशहाली बांटें, अपने जीवन यापन को व्यतीत करें। मुक्तिधाम प्रबंध समिति के सहसंयोजक होने के नाते मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे एकमात्र बिहार का यह मुक्तिधाम है जहाँ किसी प्रकार की किसी भी परिजन को अभी तक हम लोगों ने जितने भी हमारे यहाँ सहयोगी काम करते हैं किसी ने कोई परेशानी नहीं होने दिया। अच्छा, बीते एक सप्ताह के पूर्व क्या स्थिति थी? पीछे एक सप्ताह के पूर्व स्थिति भयावह थी। 42 लाशें एक दिन में आई, जबकि हमारे यहाँ कैपेसिटी है 7-8 की, लेकिन उसके बावजूद भी हम तमाम उन सहयोगियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने उस विकट परिस्थिति में भी जिस कोविड मृतक को उसके परिजन नहीं छूना चाह रहे हैं उनको इन बच्चों ने चिता तक पहुंचाया और उनको अग्नि के हवाले करवाया। इन लोगों को आज भी आज उन इंसानों से मिलवाएंगे जो कि जिसके परिजन बॉडी छोड़ के चले जाते थे और उस स्थिति में ये लोग कैसे उनका दाह संस्कार करते थे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश मल्लिक। क्या करते हैं यहाँ पे?
यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे किसी व्यक्ति की मौत होती है, मौत के बाद उसका परिजन छोड़ के चला जाता है, उसकी उस स्थिति में आप लोग कैसे दाह संस्कार करते हैं? यहाँ पर लकड़ी मिलता है, उसके बाद में स्टाफ सब यहाँ पर रहता है, सब जला उला के अच्छा तरह से उसको भस्म कर देते हैं। अच्छा, प्रतिदिन पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? पहले तो एक हफ्ता पहले बहुत ही बॉडी आता था, 30 गो 35 गो ऐसे आता था, लेकिन 2-3 दिन से अभी बहुत कम आ रहा है। अच्छा, अभी 2-3 दिन का रेशियो क्या है प्रतिदिन? महोदय क्या स्थिति है अभी? तो फिलहाल में 5वां बॉडी आया है आज के डेट में, कल 10-12 था। क्या कमी आई है पहले के? बहुत कमी आया है। अच्छा, जो लकड़ी का किल्लत वगैरह था वो अभी? ना, अभी कोई तरह की दिक्कत नहीं। बीच में लकड़ी का रेट उठ भी बढ़ गया था? लकड़ी तो हम नहीं बेचते, हमको जानकारी इतना नहीं। एक बार हम फिर से चाहेंगे, हम अपने सहयोगी को बोलना कि ये श्री घाट की तस्वीर देखा है जहाँ पे एक बॉडी अभी भी आया हुआ है और ये पिकअप पे लदा हुआ है, थोड़ी देर में इनकी दाह संस्कार होने वाली है। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर वासियों के लिए एक राहत की खबर है कि मुजफ्फरपुर में जो मृतकों की संख्या थी उसमें गिरावट आई है, इससे लोगों की परेशानी जो है वो कम हुई है और जिला प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट है। तो आप सिटी न्यूज़ भी अपील करती है कि आप भी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि धीरे धीरे बीमारी कम हो रही है। जब तक आप सावधानियां नहीं बरतेंगे तब तक इस बीमारी से बचा नहीं जाएगा। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती एक व्यक्ति के मौत के बाद अस्पताल की कुव्यवस्था सामने आ गई। देखिए ये रिपोर्ट। सदर अस्पताल में बड़े तामझाम के साथ 30 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल खोला गया, लेकिन यहाँ मरीजों का इलाज के नाम पे बड़ी लापरवाही हो रही है। रात में कोई भी मरीज को देखने नहीं आता है, यहाँ तक कि मौत हो जाने के बाद भी डेड बॉडी को भी कोई निकालने नहीं आता है, उनके परिजन को ही डेड बॉडी निकालना पड़ता है। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब गुरुवार की रात में कोविड के एक सीरियस मरीज संजय गुप्ता को सदर अस्पताल में कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया। संजय गुप्ता के भतीजे निहाल गुप्ता ने बताया कि जब मरीज को ले आए तो कोई एक व्यक्ति आया, उसे ऑक्सीजन लगा दिया, उसके बाद कोई डॉक्टर, नर्स या अन्य मेडिकल कर्मी झांकने तक नहीं आया। लगभग 5 बजे मरीज संजय गुप्ता की मौत हो गई, जिसके बाद निहाल ने जब डेथ रिपोर्ट और डिस्चार्ज स्लिप मांगा तो उसे बताया गया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता है। निहाल ने जब जिद किया तो एक सारे कागज पर उसे डिस्चार्ज स्लिप बनाकर दे दिया गया। इसी बीच कई परिजन आ गए। सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर जब दबाव बनाया गया तो उसमें अस्पताल में एक पुराने पुर्जे पर डेथ रिपोर्ट डिस्चार्ज स्लिप बनाकर थमा दिया गया। निहाल ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए वह सबसे गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी मृतक के डेड बॉडी को वार्ड से निकालने के लिए तैयार नहीं हुआ। मतलब निहाल को इस लोगों ने पीपी किट थमा दिया और कहा कि पीपी किट पहनकर खुद डेड बॉडी को निकाले। मजबूर होकर निहाल ने अपने चाचा के डेड बॉडी को खुद से पैक किया और बाहर निकाला। मामला जब जोर पकड़ने लगा तो दौरे दौरे ट्रॉली चलाने वाली महिला पहुंची और फिर परिजन से ट्रॉली पर डेड बॉडी लदवा कर बाहर आए। परिजन के मुताबिक मरीज को ना किसी डॉक्टर ने देखा और जब मौत हो गई उसके बाद भी कोई डेड बॉडी को बाहर निकालने तक नहीं आया। बाद में स्थानीय लोगों की पहल पर डेड बॉडी को एक एम्बुलेंस दिया गया जिसमें लाद कर घर ले जाया जा सका। बता दें कि पिछले दिनों बड़े तामझाम के साथ सदर अस्पताल में कोविड केयर वार्ड का उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार ने किया था, लेकिन उद्घाटन के एक सप्ताह के बाद ही लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। इस बारे में जहां वहां तैनात कर्मियों से पूछा गया तो सब एक दूसरे पर ठिगरा फोड़ते नजर आए। हम लेकर आए यहां पे सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर, यहां ना तो डॉक्टर की व्यवस्था है ना दवा की व्यवस्था है, यहां मरीज को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। आप अपने से शिफ्ट करें, अपने से लाए, अपने से ऊपर ले जाए, अपने से बेड तक पहुँचाए। यहाँ कहने को कोई आदमी नहीं है ना करने को कोई आदमी है। एक तो वो हो गया, डिस्चार्ज पेशेंट की डेथ हो गई, देखने वाला कोई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। डेथ के बाद ना यहाँ पर डिस्चार्ज स्लिप मिल रहा है ताकि आप उनको कहीं ले जा सको या अंत्येष्टि में, या कुछ नहीं है। मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे से ट्रॉली मैन का इंतजार कर रहा हूँ, अभी 8 बजने को है, अभी ट्रॉली मैन आया है, वो भी कह रहे हैं कि हम लादने के लिए तैयार नहीं है, आपको खुद लादना होगा। बताओ कि ऐसे कैसे सरकारी सिस्टम चलेगा। ये क्या आपके पेशेंट का नाम है? संजय कुमार गुप्ता, कल रात हमने उनको एडमिट कराया था सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम वो निहाल गुप्ता बनासो। आप क्या लगे पेशेंट के? पेशेंट के भतीजा लगे। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने सभी थाना क्षेत्रों के चौक चौराहों पे भारी पुलिस बल की तैनाती की। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लागू है। ऐसे में अब भी कई लोग हैं जो बिना मास्क पहने और बिना किसी काम के घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब बिना काम के घुसने वालों की खैर नहीं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चौक चौराहों पर पुलिस टीम चुस्त और सक्रिय दिख रही है। यही वजह है कि बिना काम के चक्कर लगाने वाले और बिना मास्क पहनकर घूमने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। शहर के एंट्री पॉइंट्स सिकंदरपुर ओपी पुलिस दल बल के साथ सड़कों पर उतरकर वाहनों की जांच कर रहे हैं। साथ ही लोगों से पूछा भी जा रहा है कि लॉकडाउन में घर से बाहर क्यों निकले हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे शहरी क्षेत्र में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरी है। बाहर से लॉकडाउन को देखते हुए चला जाए, सरकार का आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति का कोई भी आवश्यक कार्य है वही आदमी जाएंगे, बिना आवश्यक कार्य को नहीं है चेक किया जाता है उसका फाइन किया जाएगा। गर्मी की दमक शुरू होते ही जिले में AES ने अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया है। SKMCH के पीकू वार्ड में अब तक कुल 17 पीड़ित बच्चे भर्ती हो चुके हैं। जिले में कोरोना महामारी के बीच एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। गर्मी में बच्चों के लिए इस जानलेवा बीमारी में अब तक जिले में 17 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। AES पर लगातार शोध हो रही है, लेकिन बीमारी का कारण अभी तक अज्ञात है। इस साल अब तक गर्मी का असर कम और मौसम की नरमी से चमकी के मरीज भी अपेक्षाकृत कम आए हैं। शुक्रवार की देर शाम सीतामढ़ी के भर्ती एक बच्चे में शनिवार को AES की पुष्टि करते हुए डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने बताया कि सीतामढ़ी के भर्ती इस बच्चे का इलाज SKMCH के पीकू वार्ड में विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में की जा रही है। तो इक्का दुक्का ही केस आ रहे हैं, प्रत्येक सप्ताह में 1-2 केस आ रहे हैं। तो अभी तक जनवरी से अभी तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो 17 केस अभी तक आए हैं। आज एक नया केस की पुष्टि हुई है जो सीतामढ़ी बेलसंड से आया हुआ है। तो 17 केस में हम लोग को मैंने सबको डिस्चार्ज किया है, सिर्फ ओनली 2 डेथ का उसमें मामला है। ये पूरा जनवरी से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड है 17 पेशेंट का। तो ये अभी टोटल 17 पेशेंट हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीरियस अभी क्या कौन है? नहीं, कोई सीरियस, सिर्फ एक ही पेशेंट अभी इलाजरत हैं, बाकी सबकी छुट्टी हो चुकी है। AES की जो नए केस की पुष्टि हुई है कब हुई है? वो आज पुष्टि हुई है, वो कल एडमिट हुआ था। अभी हम लोग जहाँ से पता चला कि वो AES का है, वो बेलसंड सीतामढ़ी का बच्चा है। अभी देखा जा रहा है कि उतना रफ्तार AES को लेकर बच्चे उतना नहीं हो पा रहे हैं शायद। हाँ, देखिए जो हमारा अनुभव का है कि ये लास्ट वीक मई से एक्चुअली शुरू होता है AES का प्रकोप, हर एक साल लास्ट वीक मई से शुरू होता है और जून में इसका पीक रहता है। और वो भी डिपेंड करता है कि यहाँ का टेम्परेचर इन्वायरमेंट में कितना जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो पिछले 10 दिन से बारिश का मौसम था, इसलिए मौसम बहुत सुहावना था, इसलिए पेशेंट नहीं आया। कल से थोड़ी देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है, अगर यही गर्मी का रफ्तार रह गया 4-5 दिन तब तो लगता है कि पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यू एसोसिएट के सज्जन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम। प्ले टू 10th
बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड शेखपुर अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुक्ति धाम में निस्वार्थ कुछ लोग लगातार पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को नगर निगम प्रशासन द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब हर कोई अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगा है, उस समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। शनिवार को नगर निगम में मुक्ति धाम के कार्यरत निगम कर्मियों को नगर आयुक्त और मेयर के द्वारा हौसला अफजाई की गई। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि कोरोना से मृत शव को जब परिजन भी छूने से डरते हैं, उस समय निगम के यह कर्मी हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनके दाह संस्कार और मिट्टी मंजिल को पूर्ण कराते हैं, जिसे लेकर शनिवार को इन सातों कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुक्तिधाम के अधीक्षक रमेश केजरीवाल, वार्ड संख्या 20 के पार्षद संजय केजरीवाल, स्थानीय वार्ड संख्या पार्षद 13 की पार्षद सुनीता भारती, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय और उनके द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कि मुक्ति धाम का प्रबंधन कैसे आप बढ़िया से बढ़िया करें, जो दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने परिजन गम में रहते हैं, तो वहाँ आए तो कम से कम उनके परिजन का दाह संस्कार बढ़िया से हो। तो नगर निगम के जो कर्मी हैं वो बखूबी निभा रहे हैं, उसको ही हम लोगों सम्मानित किए हैं, हम लोग को कि वो लोग को हौसला अफजाई मिलती है। इस कोरोना संक्रमण ने जिले के डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी का जीवन लीला समाप्त कर दिया। जिले के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर आरोही के माता पिता थे। शहर के प्रख्यात फिजिशियन आरोही कुमार के माता पिता SKMCH रक्त अधिकोष के पूर्व प्रभारी डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद सिंह एवं उनकी पत्नी MDDM कॉलेज की सेवानिवृत्त शिक्षिका प्रोफेसर अरुणा कुमारी का शनिवार को निधन हो गया। दोनों पिछले एक सप्ताह से कोरोना की चपेट में आ गए थे। संक्रमित दंपति का शहर के निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था, जहां दोनों ने आज मौत के आगे हार मान ली। मृतक दंपति के शव को सिमरिया घाट पे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। इधर सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर सिंह के संपत्निक निधन पर शोक की लहर है। SKMCH से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी एवं रोटरी क्लब जैसे सामाजिक संस्था से जुड़कर समाज के उत्थान में योगदान दे रहे थे। ये नंद किशोर सिंह एक अच्छे डॉक्टर थे और अच्छे डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक सद्भावना और सामाजिक व्यक्ति भी थे, और उनकी पत्नी और उनका देहांत होने से अपूर्व क्षति हुई है मुजफ्फरपुर शहर में। चूँकि इनके पुत्र जो आरोही जी हैं, डॉक्टर आरोही कुमार, वो भी एक अच्छे फिजिशियन हैं और उनके द्वारा भी कई गरीबों का मतलब कि इलाज में काफ़ी सुधार होते रहा है। इसलिए हम शहरवासी से मांग करते हैं कि ये बहुत बड़ा शहर से एक अच्छे हमारे एक डॉक्टर जो थे, उनका निर्धन होने से बहुत क्षति हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हैं।